हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। मैं इसमें कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, हम कटिंग कर लेते हैं। मेरे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा है। कपड़े को पहले हम उल्टा कर लेंगे। जब भी आप किसी कपड़े की कटिंग करें तो पहले उसे उल्टा करके फोल्ड कर लें। ये हमने अपने दामन के घेरे के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। आपका दामन जितना भी हो उससे 2 इंच आप सिलाई का मार्जिन रख के अपने कपड़े को फोल्ड कर लें। एक बार और हम इसका घेरा चेक कर लेते हैं। ये हमारा ठीक है। जब हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम नापते हैं लेंथ। तो 2.25 मीटर कपड़े में 46 के 46 लेंथ निकल आती है। मुझे फुल लेंथ में बनाना है। आपको जिस भी लेंथ में बनाना हो तो आप पहले वहाँ अपनी लेंथ का निशान लगाएं और सिलाई के मार्जिन का निशान लगाएं। ये हम एक्स्ट्रा एक निशान लगा लेते हैं। जो हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है वो इसमें निकल जाता है। मैं यहाँ तुरपाई वाला सूट बना रही हूँ। तो तुरपाई में 2 से 3 इंच आपको चाहिए होता है। मैं 2 इंच पे निशान लगा के इस निशान को भी सीधा कर लेती हूँ। ये हमने अपना निशान सीधा कर लिया। अब हम अपनी कमीज की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नाप है। कपड़े को आप ठीक से एक बार बिछा लें। थोड़ा ये फिसलने वाला कपड़ा है। तो उसके शोल्डर हैं 14 14 का हम आधा लेंगे यहाँ पे 7 इंच। जब हम शोल्डर का मेजरमेंट करते हैं तो आप बॉडी से या कमीज से नाप के शोल्डर का नाप ले सकते हैं, लेकिन इसमें बैक नेक बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यहाँ हम लेंगे 7.5 इंच, जो आपका शोल्डर का नाप होता है उसे यहाँ आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें। तो यहाँ हम 7.5 पे अपना निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, 6 से लेके 7 7.5 तक ही सबका शोल्डर ज़्यादातर होता है। अब हम यहाँ पे नाप लेंगे एक चेस्ट का। तो हमारा 40 का फोर्थ पार्ट लेंगे हम। तो हो गया 10। 10 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। और अब हम शोल्डर से ही इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे, कमर का। 15 इंच पे मैं इसकी कमर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, कमर जो होती है वो हाइट पर भी डिपेंड करती है। अगर किसी की हाइट कम है तो उसकी 14 या 14.5 में भी वेस्ट का साइज आएगा। अब हम अपनी इन निशानों को सीधा कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे कपड़े पे थोड़ा वर्क है। अगर आप कॉटन के कपड़े पे निशान लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी इजीली लग जाते हैं। ये मैं आपको डार्क कर कर दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम अपने वेस्ट के निशान को भी सीधा कर लेंगे। और ये हमारी हिप वाली लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अभी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम एक निशान ऊपर लगा लेंगे आर्म होल के फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ आप 1/2 से 1 इंच ले सकते हैं, जिस तरह की आप फिटिंग पहनते हो।
और इसको अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये फ्रंट का आर्म होल है। इस तरह अगर आप अपने सूट की कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसकी शेपिंग दे देते हैं। ये 10 इंच मेरा चेस्ट का निशान था और 9 इंच कमर का निशान है वेस्ट का, और 10.5 इंच का हम हिप ले रहे हैं। 42 का हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 10.5 हो गया। अब हम जो हमारा चेस्ट है उससे 2 इंच या आप 3 इंच ले सकते हैं, एक निशान आप और लगाएं, इस तरह आपकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम ब्रेस्ट नापते हैं तो उसको सिंगल ही नाप लेते हैं। हमें जब भी अपना ब्रेस्ट नापना है तो वो दो बार में नापना है, एक आपको अपर ब्रेस्ट नापना है और एक आपको लोअर ब्रेस्ट नापना है। जो एक आपके ब्रेस्ट की जो गोलाई होती है उसका साइज़ ऊपर से थोड़ा आधा एक इंच ज़्यादा आता है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये निशान तो हमने लगा लिए हैं, अब हम इनको किस तरह शेप देंगे। हम इस निशान को पीछे आधा इंच कम करके लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा आर्म होल की साइड होता है और ब्रेस्ट हमारा जो हैवी होता है वो उससे थोड़ा नीचे होता है, इसलिए हम यहाँ अपना ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे नीचे वाली लाइन पे और ऊपर उससे आधा इंच कम करके आप लें, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह हम अपने इसको शेप दे देते हैं। फ्रेंड्स, अंडर आर्म की साइड जो आर्म होल होता है, आर्म होल की साइड आप हाफ से 1 इंच कम रख सकते हैं, और जो आपका हाई ब्रेस्ट होता है वहाँ आप अपना जो नाप है वो रखें। आप अपने ब्रेस्ट को दो जगह नापें तो आपकी फिटिंग ज़्यादा बेहतर आएगी पहले से। आप इस तरह कटिंग करके ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, हमने इसको एकदम कोना ना बना के हाफ इंच अंदर की तरफ लेके, और वही जो आप चेस्ट वेस्ट और हिप का निशान लेते हैं उसी तरह हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें अपना एक निशान बना के और आर्म होल की गोलाई को कट कर लेते हैं। इसको आप 2 इंच से ज़्यादा ना लें, 1.5-2 इंच आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह आप आराम से यहाँ आर्म होल में गोलाई दे लें। ये हमारी इस तरह हमारी गोलाई हो गई है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की भी गोलाई दे लेंगे। इस तरह जो हमने बैक आर्म होल का निशान लगाया है उसका हाफ रखेंगे हम फ्रंट आर्म होल का निशान। ये देखिए, ये करीब आप आधे से 1 इंच रख सकते हैं फ्रंट का। अब हम नेकलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। बैक वाला नेकलाइन अगर आपका छोटा है 1-2-3 तक, तो आप अपना शोल्डर जो है थोड़ा बड़ा लेंगे या आपका जो एक्चुअल साइज़ है वो रखेंगे, और अगर आपका नेकलाइन 5-6-7-8 तक है तो फिर आप अपना शोल्डर का साइज़ जितना आपका है उससे आधा 1 इंच आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका डीप नेक है तो आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे नेकलाइन है 2.5 इंच में, इसकी विड्थ रख रही हूँ और
इसकी डेप्थ मैं रखूँगी 3 इंच। अगर आप कोई कॉलर वाला सूट बनाएं तो उसमें आप 14 से 15 तक अपना शोल्डर ले सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपका गला छोटा है, उसकी गहराई भी कम है, तो आप उसमें अपना शोल्डर जितना आ रहा है नाप के उतना ही लें, या आप उसको 1 या 1/2 इंच अपने कंधे को बढ़ा लें। अगर आप गहरा गला पहन रहे हैं तो कंधे को आप 1/2-1 इंच कम कर लें, आपका सूट बहुत ही अच्छा सिलेगा। ये मैं आपको गले का निशान लगा कर दिखा देती हूँ, मैं इसमें नेकलाइन को कट नहीं करूँगी। और हमने शोल्डर को डाउन करना है, 1/2 से 1/4 इंच आप शोल्डर डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके मार्जिन का भी निशान लगाएंगे, मैं इसमें 2 इंच मार्जिन रखूँगी, 2 इंच मार्जिन काफ़ी होता है। हम इसकी किनारी वाली साइड छोड़कर कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि किनारी वाली साइड से कपड़े में खिंचाव आता है, तो आप अपनी कटिंग करें तो किनारे वाले कपड़े को छोड़कर ही कटिंग करें। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने सूट को एक बार कटिंग करके ज़रूर देखें। होप कि आपका सूट बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, किनारे की साइड मैंने इसमें नहीं ली है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। बचे हुए कपड़े में से आप स्लीव्स निकाल लें। ये देखिए, मैंने इस तरह इसकी मार्किंग की है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अब हम इसमें नॉचेस लगा लेते हैं कट, तो एक कट हम यहाँ लगाएंगे और एक हम इसकी वेस्ट में लगाएंगे और एक इसके चाक वाला कट लगाएंगे। इस तरह आप अपने कट लगा लेंगे तो आपकी सिलाई बहुत इजी हो जाएगी। कट लग चुके हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम मैं नेकलाइन नहीं कट कर रही हूँ, मैं सिर्फ बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया था। हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आप इस पे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, मैं इसकी गहराई आपको काट के दिखा देती हूँ। ये हमने इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब आप जब फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लें तो गला बनाने से पहले दोनों पे एक निशान लगा दें। ये हमने एफ बना दिया है फ्रंट वाले पार्ट का, और एक निशान हम इस पे लगा लेते हैं। ये हमने बी बना दिया बैक वाले पार्ट का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।